सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्वयं का विस्तार कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरू किया था। और आज इस वीडियो में हम लोग इसको और आगे, इसको और विस्तार से जानेंगे कि स्वयं का विस्तार करने की अपनी संभावना को किस प्रकार जागृत कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे कार्य का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना विस्तार कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग इसको आगे देखते हैं कि ये कार्य हम किस तरह से कर सकते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन की कक्षा में नैतिक मूल्य जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के मार्ग पर हमें चलने के लिए अग्रसर करता है। तो शुरू करते हैं हम लोग वैल्यू एजुकेशन में आज स्वयं का विस्तार करना। स्वयं का विस्तार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मेरे अपने कौन है का विस्तार करके। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका जो है विस्तार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक अर्जुन है, अर्जुन से मिलिए। अर्जुन अपने परिवार व मित्रों की भलाई के लिए कार्य करता है, किंतु उसके कारण औरों को हो रहे नुकसान के प्रति बेपरवाह है। तो दूसरों के लिए जो नुकसान हो रहा है उसकी उसे चिंता नहीं है। तो मेरे अपने कौन हैं, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगा कि मेरे अपने कौन हैं, क्योंकि वो अपने परिवार व मित्रों की भलाई के लिए काम कर रहा है लेकिन वो औरों को हो रहे नुकसान के प्रति बेपरवाह है। वो और ये नहीं देखता है कि समाज में और किसी को क्या नुकसान हो रहा है उसके इस कार्य की वजह से। तो ये जो है उस पर ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगा, ये हमें देखना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि मेरे मित्र और परिवार मेरे अपने हैं। अर्जुन सिर्फ ये मानता है कि मेरे मित्र और मेरे परिवार अपने हैं, और अर्जुन केवल अपने परिवार व मित्रों को ही अपनों में सम्मिलित करता है, इसलिए वह उनकी भलाई के लिए कार्य करता है, किंतु उसके कारण औरों को हो रहे नुकसान के प्रति बेपरवाह है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अर्जुन केवल अपने परिवार व मित्रों को ही जो है अपनों में सम्मिलित करता है और उन्हीं की भलाई के लिए वो कार्य करता है। तो अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे मेरे अपने कौन है का विस्तार करके। यहाँ पर एक और उदाहरण लीजिए। यहाँ पर एक और उदाहरण है कि स्नेहा से मिलिए। स्नेहा न केवल अपने परिवार व मित्रों की परवाह करती है अपितु अपने मोहल्ले के लोगों की समस्याओं के बारे में भी चिंतित रहती है व उनके लिए कुछ करना चाहती है। तो यहाँ पर वो अपने परिवार व मित्रों की परवाह तो करती ही है और उसके अलावा वो मोहल्ले के लोगों की समस्याओं के बारे में भी चिंतित रहती है व उनके लिए कुछ करना चाहती है। तो यहाँ पर स्नेहा अपने आप को क्या कह सकती है कि मेरे अपने कौन हैं। तो इसके लिए जो है स्नेहा इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से देगी, ये हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है मैं स्वयं का विस्तार कर सकता हूँ, मेरे अपने कौन हैं, ये हमें समझना है। तो यहाँ पर स्नेहा जो है अपने प्रश्न का उत्तर मेरे अपने कौन हैं वो कहेगी कि मेरे मोहल्ले के लोग मेरे अपने हैं। स्नेहा अपने सभी पड़ोसियों को अपना समझती है, इसलिए वह उनकी समस्याओं के बारे में भी अपने परिवार व मित्रों की समस्याओं की भांति चिंता करती है। यानी कि वो अपने परिवार की तो चिंता करती है, अपने मित्रों की, अपने परिवार की, और इसके साथ ही अपने सभी पड़ोसियों की भी उसे चिंता है और वो उनकी भी समस्याओं को दूर करना चाहती है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि लोग जो है पड़ोस में कभी भी कोई दुखद घटना घट जाती है या कोई विपत्ति आ जाती है तो
तो लोग साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है स्नेहा जो है अपने पड़ोसियों को भी अपना समझती है। एक और उदाहरण लीजिए, राष्ट्रपिता से मिलिए। महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश की समस्याओं की जिम्मेदारी ली थी, वह उन्हें अपना मानकर उनकी चिंता करते थे। तो उनके लिए अपने कौन है? महात्मा गांधी इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? तो वे जो है उनके लिए अपने कौन है? तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश की समस्याओं की जिम्मेदारी ली थी और उन्हें अपना मानकर वो उनकी चिंता करते थे। तो ये अपना इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से देंगे? तो इनके अनुसार मेरा देश मेरा अपना है। इनका कहना है कि मेरा देश मेरा अपना है। और महात्मा गांधी ने अपने हृदय का विस्तार करके संपूर्ण देश व देशवासियों को अपना माना, इसलिए वह देश की समस्याओं को अपना मानकर उनकी चिंता करते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं थे और न ही अपने पड़ोस के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। वे जो है इसमें चिंतित थे अपने देश के लिए भी। उनके लिए अपना देश जो है उनका अपना है और अपने देश के लिए उन्होंने इतने सारे कार्य किए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से स्नेहा और यहाँ पे अर्जुन, ये सब जो है अपने अपना कौन है, मेरे अपने कौन है, ये किस तरह से तीनों लोगों की सोच अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी ने पूरे देश को अपना कहा है और इसके बाद अपने परिवार व पड़ोसी को अपना कहा गया है स्नेहा के द्वारा, और अर्जुन के द्वारा जो है उसका अपना परिवार और अपने मित्र ही उसके लिए सब कुछ है, वही उसके अपने हैं। तो इस तरह से देश की समस्याओं को अपना मानकर उनकी चिंता करने वाले महात्मा गांधी ने अपना जो है अपनी पहचान, उन्होंने अपने लोगों की पहचान इस तरह से बताई है। तो यहाँ पर जब हम ये तीनों ही परिस्थितियों को देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि किसने स्वयं का विस्तार सबसे अधिक किया है। तो किसने स्वयं का विस्तार सबसे अधिक किया है, इसमें जो है हम लोग देखेंगे आगे कि सबसे पहले मैं कौन हूँ का विस्तार करके, मैं क्या करती हूँ तथा मेरे कार्य का उद्देश्य क्या है का विस्तार करके, और मेरे अपने कौन है का विस्तार करके। तो इस तरह से ये हम अपने स्वयं की संभावना को जागृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अपना विस्तार करने के लिए ये परिस्थितियाँ जो है वो हमें अलग अलग जो हमारी सोच होती है उसमें हम लोग इसे जो है अपने दैनिक जीवन में स्वयं का विस्तार करने के लिए यहाँ पर सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपने दैनिक जीवन में हम अपना विस्तार करते हैं। अब यहाँ पर जो है एक स्कूल की टीम है, विरोधी स्कूल के साथ चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। बहुत से छात्र मैच देखने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं, इसी विषय पर तीन लड़के सोच रहे हैं। अब स्कूल की टीम जो है वो चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, यानी कि वो कंपटीशन में है, और विरोधी स्कूल यानी कि जो अगेंस्ट में है, जो दूसरा स्कूल है जिस स्कूल के साथ इसकी प्रतियोगिता है। तो बहुत से छात्र जो है मैच देखने के लिए जाने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे वो क्या सोचते हैं? राकेश, विनय और हरि, ये तीन छात्र हैं। और ये क्या सोचते हैं? राकेश सोचता है कि मैं टीम में नहीं चुना गया तो मैं यह मैच देखने क्यों जाऊं? विनय सोचता है कि मेरा स्कूल खेल रहा है, मैं यह मैच कैसे छोड़ दूं? मैं अवश्य ही अपनी टीम का हौसला बढ़ाने जाऊंगा। और हरि सोचता है कि मेरे कोई भी मित्र टीम में नहीं है
तब इस मैच को देखने जाने का क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है कि जब हमारा कोई मित्र ही नहीं है इस टीम में तो हम इस मैच को क्यों देखें? तो राकेश जो मैच देखने जाता है क्योंकि वो टीम में नहीं चुना गया, लेकिन वो मैच देखकर उसका आनंद उठाना चाहता है। और विनय जो है वो ये सोचता है कि मेरा स्कूल खेल रहा है तो मैं यह मैच कैसे छोड़ दूँ, तो मैं अवश्य अपनी टीम का हौसला बढ़ाने जाऊँगा। और हरी जो है इस मैच को इसलिए नहीं देखना चाहता कि जब मेरा मित्र ही इसमें नहीं है तो मैं क्यों देखूं? तो राकेश, विनय व हरी के सोचने के तरीके में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर जो है ये देखेंगे हम लोग कि क्या आपने इस दृष्टिकोण पर विचार किया, राकेश का भी विचार कि मैं टीम में नहीं चुना गया तो मैं यह मैच देखने क्यों जाऊं? राकेश की रुचि केवल अपनी सफलता में है। और विनय कहता है कि मेरा स्कूल खेल रहा है, मैं यह मैच कैसे छोड़ दूं? मैं अवश्य अपनी टीम का हौसला बढ़ाने जाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो विनय है उसकी रुचि अपने स्कूल की सफलता में है। और हरि कहता है कि मेरे कोई भी मित्र टीम में नहीं है तब इस मैच को देखने जाने का क्या अर्थ है? तो हरि की सोच क्या है कि हरि की रुचि अपनी व अपने मित्रों की सफलता में है। हरि जो है वो अपने और अपने मित्रों की सफलता चाहता है और इसीलिए जो है वो ऐसा सोचता है। तो किसने स्वयं का सबसे अधिक विस्तार किया है? सबसे संकीर्ण से सबसे विस्तारित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे संकीर्ण मतलब जो सबसे कम अपने आप का विस्तार किया है, और सबसे विस्तारित यानी कि जो सबसे अधिक जो है अपना विस्तार किया है अनुक्रम में, अर्थात एक सीरियल में, एक क्रम में इसे व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसने अपना सबसे अधिक विस्तार किया है। तो मैं टीम से नहीं चुना गया तो मैं यह मैच देखने क्यों जाऊं? राकेश की रुचि केवल अपनी सफलता में है। अब यहाँ पे हरि कहता है कि मेरी कोई भी मित्र टीम में नहीं है तब इस मैच को देखने जाने का क्या अर्थ है? हरि की रुचि अपनी व अपने मित्रों की सफलता में है। और विनय जो है वो कहता है कि मेरा स्कूल खेल रहा है, मैं यह मैच कैसे छोड़ दूँ? मैं अवश्य अपनी टीम का हौसला बढ़ाने जाऊंगा। तो यहाँ पर विनय की रुचि अपने स्कूल की सफलता में है। तो सबसे अधिक विस्तार जो है विनय ने किया है, बाकी का विस्तार जो है वो बहुत संकुचित है और ये केवल अपने तक ही सीमित है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विनय की रुचि जो है अपने स्कूल की सफलता में है, इसलिए जो है विनय अधिक अपना विस्तार किया है। और आगे हम लोग देखते हैं कि समीर, सुहास व करीम ने सुना है कि शहर की एक प्रमुख पाइपलाइन फट गई है। जब बिल्डिंग का टैंक खाली हो जाएगा तब पूरे पड़ोस में पाइप के ठीक होने तक पानी नहीं रहेगा। इसमें 2-3 दिन भी लग सकते हैं, वह सब यह करते हैं। तो अब ये तीनों क्या सोचते हैं कि अगर शहर की एक प्रमुख पाइपलाइन फट जाए और पता रहे कि 3-4 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, तो ये तीनों व्यक्ति क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समीर की लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सुहास की पढ़ेंगे, फिर करीम की। तो समीर क्या सोचता है कि हम पूरे पड़ोस को यह सूचना शीघ्रता से कैसे दे सकते हैं? लोगों को सतर्कता से पानी का उपयोग करना चाहिए। हम सभी को मिलकर अतिरिक्त पानी लाने का उपाय भी खोजना होगा। क्या हमें कुछ पानी के टैंकर मंगवाने चाहिए? क्या हम और कुछ कर सकते हैं? ये समीर सोच रहा है। अब सुहास क्या सोचता है कि माँ, इससे पहले कि किसी और को पता चले जल्दी से खूब सारी बाल्टियाँ भर लो और किसी को मत बताना, नहीं तो वे सारा पानी समाप्त कर देंगे। अब वो कहता है कि माँ, इससे पहले कि किसी और को पता चले, ये बात किसी और को पता चले कि पाइपलाइन फट गई है और 2-3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा और 2-3 दिन लग सकते हैं उसे ठीक होने में भी, तो वो अपनी माँ को कहता है कि सबसे पहले किसी और को पता चले, इससे पहले तुम ढेर सारा पानी भर लो। और करीम कहता है कि माँ, जल्दी से खूब सारी बाल्टियाँ भर लो व हमारे पड़ोसी मित्रों को भी बता दो,
ताकि वे भी पानी भरकर रख सकें। तो आप किसकी प्रतिक्रिया से सहमत हैं और क्यों? तो यहाँ पर ये तीन व्यक्ति हैं, तीन तरह की सोच है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे ये क्या सोचते हैं। क्या आपने इस दृष्टिकोण पर विचार किया कि हम पूरे पड़ोस को यह सूचना शीघ्रता से कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं। तो समीर पड़ोस में सबकी समस्या के बारे में सोचता है, वह सबके लिए समाधान खोजना चाहता है, और सुहास जो है वो केवल अपने परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए इसका ध्यान रखता है। उसके अनुसार दूसरों का कष्ट उसकी समस्या नहीं है। तो सुहास जो है अपने परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए बस इसी पर ध्यान देता है, और उसे दूसरों के कष्ट या दूसरों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और करीम जो है वो अपने व अपने मित्रों के परिवार वालों को कोई कष्ट न हो इसका ध्यान रखता है। तो करीम जो है वो थोड़ा विस्तार करता है, अपने मित्रों के परिवार वालों को कोई कष्ट न हो इसका भी वो ध्यान रखता है। तो किसने स्वयं का सबसे अधिक विस्तार किया है? सबसे संकीर्ण से सबसे विस्तारित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि सबसे कम किसका विस्तार हुआ है और सबसे अधिक किसका विस्तार हुआ है। तो यहाँ पर जो है सुहास जो सोचता है कि अपने परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए इसका ध्यान रखता है, उसके अनुसार दूसरों का कष्ट उसकी समस्या नहीं है, तो इसलिए वो केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। और करीम अपने व अपने मित्रों के परिवार वालों को कोई कष्ट न हो इसका ध्यान रखता है। और समीर जो है पड़ोस में सबकी समस्या के बारे में सोचता है, वह सबके लिए समाधान खोजना चाहता है। तो यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है वो सबसे अधिक उसने अपना विस्तार किया है, क्योंकि वो जो है केवल अपने अपने परिवार के लिए पड़ोस के बारे में नहीं सोचता है, वो सबके लिए समस्या का समाधान खोजना चाहता है कि कैसे हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर निशांत एक महत्वपूर्ण नौकरी के इंटरव्यू के लिए टैक्सी से जा रहा है। वह देखता है कि एक कार चालक किसी व्यक्ति को टक्कर मारकर उसी सड़क पर घायल छोड़कर भाग गया। निशांत ने स्वयं का विस्तार किया है, अब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? यहाँ पर पहले हम लोग उसकी प्रतिक्रिया देखेंगे कि निशांत के पास तीन विकल्प हैं, उसे किस विकल्प का चुनाव करना चाहिए और क्यों। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया है कि इसमें उलझना व्यवहारिक नहीं है। तो वो जो है निशांत जो है स्वयं का विस्तार वो इसलिए करता है क्योंकि वह उस व्यक्ति की सहायता करना चाहता है, किंतु उसका इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण है। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो इसमें उलझना व्यवहारिक नहीं है, मुझे इस इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंचना होगा, इसके छूटने से एक महत्वपूर्ण अवसर का नुकसान हो जाएगा, परंतु मैं रास्ते में पुलिस व एम्बुलेंस को सूचित कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है दूसरी प्रतिक्रिया होती है कि इस व्यक्ति को शीघ्र ही चिकित्सा की आवश्यकता है, मैं इन्हें अस्पताल ले जाता हूँ और सुनिश्चित करता हूँ कि इनका ठीक से इलाज हो सके, और यदि इस वजह से मुझे यह इंटरव्यू छोड़ना पड़ा तो मैं बाद में कंपनी वालों से बातचीत करके देखूंगा, शायद वे मुझे एक और मौका दे सकें। और जो तीसरी प्रतिक्रिया यहाँ पर है, मैं पुलिस को सूचित करूंगा और जब तक वह आकर परिस्थिति को संभाल नहीं लेते मैं प्रतीक्षा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, फिर थोड़े देर से ही सही मैं अपने इंटरव्यू के लिए चला जाऊंगा। तो इस तरह से निशांत जो है वो कई तरह से सोचता है, और तीन विकल्प हैं उसके पास कि या तो वो इंटरव्यू छोड़ दे और उसे अस्पताल पहुंचाए, परंतु वो जो है रास्ते में एम्बुलेंस को सूचित कर देगा ये सोचता है, और क्योंकि उसका इंटरव्यू है और वो भी महत्वपूर्ण है उसके लिए, और इलाज भी कराना महत्वपूर्ण है,
और दूसरा जो है इस व्यक्ति को शीघ्र ही चिकित्सा की आवश्यकता है, तो ये सुनिश्चित करता है कि इलाज ठीक से हो सके भले ही इसके लिए इंटरव्यू छोड़ना पड़े। तो ये तीन जो प्रतिक्रिया है, निशांत ने स्वयं का विस्तार किया है और वह घायल व्यक्ति के लिए चिंतित होता है। वह उस व्यक्ति के लिए चिंतित होता है जो उस व्यक्ति की सहायता करना चाहता है, किंतु उसका इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से निशांत जो है वो अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सोचता है कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो ये विकल्प है, उसने किस विकल्प का चुनाव करना चाहिए और क्यों, ये जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसे इसका विस्तार विकल्प का चुनाव क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर उसने इस बात को ध्यान दिया है कि किस तरह से वो जो है इसके बारे में सोच सकता है। तो यहाँ पर जो है स्वयं का विस्तार करना क्यों महत्वपूर्ण होता है ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी क्षेत्र में एक बांध बनाया जा रहा है। गांव वाले प्रोजेक्ट मैनेजर मनोहर के पास आते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास आते हैं। उन्हें चिंता है कि बांध के कारण वे बेघर हो जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर वो सोचता है कि अगर हम बांध बनाया जा रहा है तो इसके बनाने से हमारे हम लोग बेघर हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं होगा। तो मनोहर की प्रतिक्रिया क्या होती है यदि वह केवल अपने व अपनी कंपनी के हित में सोचता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है मनोहर, वो केवल अपने और अपने कंपनी के हित में सोचता है। तो इसमें वो सोचता है कि महोदय, हम में से कई गांव वाले बेघर हो जाएंगे, सारा जीवन हमने यहीं बिताया है, हम क्या करेंगे? तो मैनेजर बोलता है कि माफ़ कीजिए, इस बारे में कुछ भी करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, यह मेरी कार्य क्षमता से बाहर है। तो जो मैनेजर है वो कहता है कि ये जो है कार्य करने की क्षमता से बाहर है। तो अब क्या होता है कि गांव वासियों का क्या होता है, यह मेरी समस्या नहीं है। मैनेजर जो है वो सोचता है कि गांव वासियों का क्या होता है, यह मेरी समस्या नहीं है, यह प्रोजेक्ट हमें सरकार ने दिया है, तो इस बारे में चिंता करना उनका कार्य है। तो मनोहर की प्रतिक्रिया, यदि वह अपनी सोच में गांव वालों को भी सम्मिलित करता है तो वो जो है महोदय, यहाँ पे मनोहर और मनोहर के बॉस, यहाँ दोनों के बारे में दिया है। अब मनोहर जो है सोचता है कि वो ये जानना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के कारण कई गांववासी अपने घर खो देंगे, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि गांव वालों को भी समस्या नहीं हो और हमारे प्रोजेक्ट को भी कोई नुकसान ना हो, हम किस प्रकार उपाय खोजें? तो यहाँ पर मनोहर क्या प्रभाव व फर्क ला सकता है स्वयं के विकास में, और जहाँ वह कार्य करता है उस कंपनी में, गांवों में और इस तरह हमारे देश में वो क्या जो है फ़र्क ला सकता है, और इधर जो है मनोहर क्या प्रभाव व फ़र्क ला सकता है स्वयं के विकास में, जहाँ वह कार्य करता है उस कंपनी में और गांवों में और इस तरह हमारे देश में। तो यहाँ पर जो है मनोहर की प्रतिक्रिया उनके लिए क्या होती है ये बताया गया है। स्वयं का विस्तार किस प्रकार हमारे देश की समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता कर सकता है? तो यहाँ पर जो है स्वयं का विस्तार हमारी सहायता कर सकता है जिससे हम स्वयं को भारतीय नागरिक के रूप में देख सकें, यानी कि हम अपने आप को भारतीय नागरिक के रूप में देख सकें और हम अपने संपूर्ण देश व उसकी समस्याओं को अपना मान सकें। और आगे
जो भी कार्य हम करें उसके माध्यम से देश की सेवा करने का प्रयास कर सकें। तो हमें अपने खुद को, अपने परिवार वालों के साथ, स्वयं के साथ, हमें अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। और हम सभी के पास स्वयं का विस्तार करने का अवसर होता है, तो हमें इस तरह का अवसर बहुत प्राप्त होता है, इसलिए हमें अपना विस्तार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग अब देखेंगे कि किस तरह से हम अपने इस कार्यक्रम में हम अपना विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना विस्तार जो है अपने अंदर, अपने गुणों के कारण, अपने सोच के कारण, और इसमें जो है हम अपने गुणों के कारण अपना विस्तार कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस स्कूल की टीम के द्वारा ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि अगर हम स्वयं के बारे में सोचते हैं तो हम अपना विस्तार नहीं कर पाते। जैसा कि यहाँ पर राकेश की सोच थी कि मैं टीम में नहीं चुना गया तो मैं यह मैच देखने क्यों जाऊँ, तो वो इसलिए मैच देखने नहीं जाता है क्योंकि वो खुद मैच में नहीं है। और विनय की सोच इसलिए ऐसी हो जाती है क्योंकि वो उसका स्कूल खेल रहा है और अपने स्कूल को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए वो जाता है। और हरि जो है वो कहता है कि मेरा कोई मित्र इस टीम में नहीं है, इसलिए मैं ये मैच देखने क्यों जाऊं, ये मैच देखने का क्या जो है यहाँ पे ज़रूरत है, या मैच देखने का क्या मतलब है कि अगर हमारा फ्रेंड ही उसमें ना हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से परिस्थितियाँ हमें सोचने के लिए विवश करती हैं और हम अपने मन की बात कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर और आगे भी बताया गया है। तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि केवल हम अपने ही बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि हम जो है दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। विनय की रुचि अपने स्कूल की सफलता में है, तो वो जो है अपने स्कूल की टीम को प्रोत्साहन देने के लिए ये मैच देखना चाहता है। और हरि जो है वो, हरि की रुचि अपनी और अपने मित्रों की सफलता में है, इसलिए वो जो है मैच देखने नहीं जाना चाहता है क्योंकि अगर उसका कोई मित्र होता तो वो उसके प्रोत्साहन के लिए जाता। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति जो है अपने सोच को बदल सकता है। तो इसमें जो है स्वयं का विस्तार करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास, अपने देश, अपने परिवार, इन सब के बारे में हम सोचें। तो इस तरह से ये स्वयं का विस्तार जो है वो सबसे अधिक किसने किया है ये देखना रहता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक विस्तार विनय ने किया है क्योंकि विनय की रुचि अपने स्कूल की सफलता में है। और बाकी लोग तो, राकेश तो अपने आप को नहीं चुने जाने से वो मैच में नहीं रहता है, इसलिए मैच भी नहीं देखता है। और हरि जो है वो, उसका कोई मित्र उस टीम में नहीं रहता है, इसलिए वो टीम देखने नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये परिस्थितियाँ देखते हैं कि कैसे ये लोग सोचते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर समीर, सुहास और करीम ये सभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जिसमें कि समीर की सोच जो है वो बहुत आगे बढ़ती है और इस तरह से वो अपने लिए जो है, अपने लिए ना सोचकर वो अपने पड़ोस, अपने आसपास के लोगों के लिए सोचता है और वो लोगों को सतर्क करना चाहता है कि हम सभी मिलकर अतिरिक्त पानी लाने का उपाय भी खोजेंगे और हमें कुछ पानी के टैंकर मंगवाने चाहिए, तो क्या हम और कुछ कर सकते हैं। अब वो इतना सब कुछ सोचने के बाद भी वो और भी सोचना चाहता है कि वो कर सके। तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग परिस्थितियाँ हैं और अलग अलग सोच है।
और इसमें जो है सबसे अधिक विस्तार जो है इसमें समीर ने किया है। जैसा कि यहाँ पर समीर के विचारों को जो है सही का निशान दिया गया है, और समीर पड़ोस में सबकी समस्या के बारे में सोचता है और वह सबके लिए समाधान खोजना चाहता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम अपना विस्तार तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर छुपे हुए गुणों को, अपनी सोच को और अपने आप को हम फिट रखते हैं, और तभी हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से व्यक्ति अपना विस्तार कर सकता है, और उसे जो है अनेक ऐसी परिस्थितियाँ मिलती हैं, समाज में भी हमें मिलती हैं, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो इसमें जो है किस तरह से हम अपने आप को व्यवस्थित रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने आप को जो है किसी भी तरह से बंधन में न रखें और हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें, तो ये बहुत ज़रूरी है इस पाठ में। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं कि किस तरह से लोग अपना विस्तार कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग आज का ये वीडियो समाप्त करें, विस्तार करने के लिए अपने आप को जो है अपनी क्षमता को पहचानना होता है और क्षमता के अनुसार कार्य करना होता है, तभी सफलता मिलती है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं व्यक्ति, ये सब जो है वो अपने अपनी सोच को यहाँ पर व्यक्त किए हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।